चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं एक बेहतरीन सा नाश्ता, वो भी बची हुई रोटियों का। क्योंकि जब रोटियां हमारे घर में बच जाती है ना, तो कोई उसे खाना नहीं चाहता है। लेकिन अगर इस तरह से आप अपनी रोटियों को यूज़ करेंगे ना, तो सभी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 उबले आलुओं को मैश कर लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही कम डालें। फिर ये मिर्ची पाउडर और ये हरी कटी हुई मिर्ची है। थोड़ा धनिया पत्ता ले लिया मैंने काट कर। और ये चाट मसाला है, जिससे ये जो मिक्सचर है ना, बहुत ही चटपटा बन जाएगा। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लेनी है बची हुई रोटी। तो रोटी को ना इस तरह से काट लेना है। पूरी रोटी में चीरा नहीं लगाना है, बस जैसे देखा ना आपने, बीच सेंटर पे लेना और चीरा लगा लेना। उसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ हरी धनिया पत्ता की चटनी। फिर जो ये आलू का मिक्सचर मैंने बनाया था, इसे भी तिकोन टाइप से बना लेना है, ताकि हम जब इसको तिकोन शेप में मोड़े तो हमें मोड़ने में से दिक्कत ना आए। थोड़े पनीर के पीसेस मैंने रख लिए हैं और एक साइड में मैंने आधी रोटी में मैंने लगा लिया है सॉस को। तो अगर आप सॉस चटनी इग्नोर करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप सॉस चटनी की जगह पर मेयोनीज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ चीज़। तो आधी रोटी में मैंने चीज़ लगा लिया है। चीज़ लगाने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी एक साइड में कटे हुए प्याज को। प्याज की जगह आप खीरा, टमाटर कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने एक भाग में लगा दिया है थोड़ा सा सेव भुजिया। अब उसको इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर करके और सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि इसका एक समोसे के जैसा तिकोना शेप आ जाए। और जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें निकल रही है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर करके अंदर करके दबा देना और अच्छे से सिक्योर कर लेना है। मैंने 2 टैकोस तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। इसको बहुत अच्छे से सेकना है। तो गैस चूल्हे पे मैंने एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया और उसमें मैं लगा रही हूँ घी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, पर इस टैकोस में ना घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। खैर, ये अपने अपने फ्लेवर की बात है, घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। ऊपर से भी इसमें थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुरकुरा होने तक सेकना है। दोस्तों, इस टैकोस को आप या तो बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं या तो फ्रेश रोटी से भी। क्योंकि अगर बच्चे कभी कभी होता है ना कि सब्जी रोटी नहीं खाना चाहते, बस इसी सब्जी रोटी को आप इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो बच्चे इसे मांग मांग के खाएंगे। सब्जी के अंदर फिलिंग डाल दें, थोड़े बहुत मेयोनीज, चीज़, पनीर सब डाल दें तो, और अच्छी तरह से कुरकुरा सेक लें, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और बच्चों के लिए ये एक नई चीज़ हो जाती है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इसको दोनों साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना। अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो ये अच्छे से सिकेगा नहीं और रोटी जलने लग जाएगी। तो इसलिए इसे लो फ्लेम पर अच्छे से घी लगा लगा कर कुरकुरा होने तक सेक लेना है, जिससे बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बच्चे क्या बड़े भी इसे पसंद करेंगे। अब जब ये टैकोस सीख गया है बहुत अच्छे से, तो अब क्या करना है, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से सेव भुजिया इसके किनारों में लगा लें, जिससे ये दिखने में भी सुंदर लगेगी और बच्चे तो देखकर ही इसे खुश हो जाएंगे। इसका टेस्ट ना बिल्कुल एकदम समोसे की तरह लगता है, तो कभी पैटीज की तरह लगेगा। मतलब कि दोनों ही चीज़ों का मिलता जुलता सा बढ़िया और चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो दोनों टैकोस मेरे तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये बची हुई रोटियों की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और घर में बची हुई रोटियों का एक अच्छा सा यूज़ करें, जिससे बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और आप भी खुश। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।